बताते हैं कानपुर में तंबाकू कंपनी पर आईटी की रेड पड़ी है। बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है 15 घंटे से ज्यादा वक्त से आईटी की छापेमारी जारी है। कानपुर समेत 5 राज्यों में ये कार्रवाई हो रही है। कानपुर के अलावा दिल्ली, मुंबई, गुजरात में रेड की गई है। 15 से 20 टीमें छापेमारी कर रही है। दिल्ली से 60 करोड़ की कीमत से ज्यादा की कारें जब्त की गई है। वही बताया जा रहा है 4.5 करोड़ कैश मिला है। अंदाजा लगाइए 4.5 करोड़ कैश, जिसे गिनने में भी जो टीम है उसको काफी वक्त लगा। दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं और अभी भी कई चल और चल संपत्तियों का खुलासा हो सकता है, अवैध संपत्तियों का। तो टैक्स चोरी पर जबरदस्त वार किया गया है। बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है 15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से आईटी की टीम ये छापेमारी कर रही है। कानपुर के अलावा दिल्ली, साथ ही मुंबई और गुजरात में भी छापेमारी जारी है। कानपुर के आरनगर इस बंगले में जो के मिश्रा का बताया जाता है तंबाकू कारोबारी है, इन्हीं के बंगले में पिछले 24 घंटे से इनकम टैक्स की रेड चल रही है और इनकम टैक्स के लोगों ने अब जो इनके घर में गद्दे बिछा रखे गए हैं उनको हटा के उस पर देखा जा रहा है और बताया जाता है कि काफी लग्जरी गाड़ियां और काफी कीमती सामान रुपया बरामद हुआ है और इनकम टैक्स अधिकारियों को मानना है कि इसमें अभी और भी मिलने की संभावना है और ये रेड अभी भी जारी है। अशोक सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। शिकंजा कस रहा है, आईटी की टीम वहां पर मौजूद है। 15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, अभी भी जो छापेमारी है वो चल रही है। कानपुर के एक बड़े गुटखा व्यापारी के मिश्रा के घर आयकर विभाग की टीम ने रेड डाली है। पिछले 15 घंटे से लगातार रेड चल रही है। बताया जा रहा है कानपुर और दिल्ली के ठिकानों पर रेड थी और इस वक्त हम राजेंद्र नगर के 595 नंबर के मकान में मौजूद के बाहर खड़े हैं और यहां बताया जा रहा है कि कल दोपहर करीब 2:30 से 4 बजे के बीच में आईटी की टीम पहुंची थी। करीब 3 से 4 अधिकारी थे। जो ग्राउंड फ्लोर का जो फ्लैट है वो के मिश्रा का बताया जा रहा है कि यहां पे उनके रिलेटिव रहते हैं। आईटी की टीम यहां पे करीब 4 से 5 लोग पहुंचे थे जिनके साथ सिक्योरिटी भी थी और यहां पे उनके रिलेटिव थे, एक फीमेल थी, उनसे बात की गई है और बताया जा रहा है कि यहां से कोई सामान सीज नहीं किया गया है। टीम आई थी, करीब 1 से 1.5 घंटे यहां रुकी है। जो उनके रिलेटिव थे उनसे पूछताछ की गई है और टीम करीब 1.5 घंटे बाद यहां से वापस चली गई है। और बताया जा रहा है कि जो के मिश्रा के ठिकानों पर रेड हुई है वहां से कई हाई एंड कार मिली है, लग्जरी कार्स मिली है जिसके अंदर रोल्स रॉयस फैंटम जो 16 करोड़ की गाड़ी बताई जा रही है, इसके अलावा फरारी एक जो है वो कार मिली है, उसके अलावा कई अन्य लग्जरी कार्स भी उनसे वहां से बरामद हुई और अभी तक 60 करोड़ जो है वो बरामद हो चुका है। तो अभी जो लगातार जो रेड है आईटी की वो चल रही है, पिछले 15 घंटे हो चुके हैं और 3 ठिकानों पर रेड बताई गई थी। हालांकि हम दिल्ली के ठिकाने पहुंचे हैं, यहां पे कल आईटी की टीम जरूर पहुंची है लेकिन यहां से कोई सीजर नहीं हुआ, यानी यहां से कोई सामान जो है वो जब्त नहीं किया गया है। फिलहाल जो के मिश्रा है उनको लेकर अभी आयकर विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन जिस तरीके से फोटो वीडियो सामने आ रहे हैं ये रेड अभी आगे और चलने वाली है। कैमरामैन अश्विन के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, दिल्ली। और देखिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, मोहित ओम की रिपोर्ट आपने देखी, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं उनको भी, वो हमारे साथ कानपुर से बताया जा रहा है जुड़े हुए हैं। मोहित, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, मैं आऊंगी आपके पास। विनोद मिश्रा, ये जरा बंशीधर जो कंपनी है, जो जिस तरह से टैक्स चोरी के आरोप लग रहे हैं और छापेमारी लगातार जारी है, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कानपुर में कितने बजे से ये छापेमारी जारी है और क्या अभी भी छापेमारी चल रही है, क्या अभी तक वहां से बरामद हुआ है वो बताइए आप। देखिए, के मिश्रा वंशीधर टोबैको कंपनी के मालिक है और ये जो टोबैको कंपनी है ये बाकी जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें कच्चा माल सप्लाई करती है, यानी टोबैको का कच्चा माल सप्लाई करने का धंधा है इनका। कहा यह जा रहा है कि इस कच्चा माल के सप्लाई में इन्होंने GST की चोरी की है और इसीलिए जो IT की टीम है वो रेड करने यहाँ पहुँची हुई है। कल से ये रेड चल रही है, 15-16 घंटे रेड्स के हो चुके हैं। हालांकि उनके सिर्फ के मिश्रा ही नहीं बल्कि उनकी कंपनी से जुड़े बाकी जो लोग हैं उनके ठिकानों पर भी रेड चल रही है। जैसा कि आपने भी बताया, 5 शहर हैं जिसमें ये रेड चल रही है, उसमें दिल्ली है, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर है, आंध्र प्रदेश है, मुंबई है और गुजरात है। यहाँ पे जो इनके एसोसिएट्स हैं, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो कर्मचारी हैं उनके यहाँ भी रेड्स की जा रही है।
अभी तक ऑफिशियली कितनी रिकवरी है ये डेटा जो है वो आईटी ने शेयर नहीं किया है, लेकिन जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि 60 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी अब तक हो चुकी है। कई सारी गाड़ियां, जैसे मोहित रिपोर्ट में भी बता भी रहे थे कि लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। कानपुर के जिस घर पे, जिस फ्लैट पे उनकी रिकवरी हो रही थी, इतना रेट चल रही है, बताया जा रहा है कि फैमिली का कोई वहां पे मौजूद नहीं था, कुछ जो कंपनी के लोग थे वो जरूर मौजूद थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। अंदर शक है कि कुछ अभी भी कुछ ऐसी बरामदगी हो सकती है, क्योंकि आईटी की टीम इसलिए अंदर है, कुछ पैसे ऐसे माने जा रहे हैं जो ब्लैक मनी है वो छिपा कर रखे गए हैं, उसी की तलाश में आईटी की टीम जो है वो लगातार वहां पे रेड्स कर रही है। हालांकि अभी तक जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले जानकारी है कि बहुत बड़ी रिकवरी उस फ्लैट से नहीं हो पाई है कानपुर वाले, लेकिन ये पुख्ता जानकारी है कि ब्लैक मनी को वहां पे होल्ड करके रखा गया है, छुपा कर रखा गया है, और इसीलिए टीम अभी भी अंदर मौजूद है, उस ब्लैक मनी की तलाश की जा रही है। संभव है कि देर शाम तक या अगर वो रिकवरी होती है तो उसके बाद से जो है जब ये रेड्स कंक्लूड होगा। बल्कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात में भी छापेमारी जारी है। दिल्ली से हमारे साथ मोहित ओम जुड़े हुए हैं। मोहित, यहां से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, यहाँ पर कल जो है वो ये 595 राजेंद्र नगर का जो फ्लैट है, यहाँ पर कल आईटी की टीम पहुंची थी, करीब 4 से 5 अधिकारी थे, जिसके अंदर कुछ सिक्योरिटी के साथ उनके साथ भी थी, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि के मिश्रा की कोई एक रिलेटिव है, फीमेल रिलेटिव, उनसे पूछताछ की गई है, और उसके बाद करीब 1.5 घंटे बाद यहाँ से टीम चली गई है। करीब 2:30 से 4 बजे के बीच में टीम यहाँ पहुंची थी, और यहाँ पर पहुंचने के बाद पूछताछ की गई है। जो यहाँ के जब हाउसमेट थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ से कोई सीजर नहीं हुआ है, जो अधिकारी आए वो यहां से कुछ सामान को नहीं लेकर गए हैं, लेकिन ये कि ठिकाना है, जो ठिकाना आईटी के रडार पे था, और यहां पे आईटी की टीम पहुंची है। तो अभी फिलहाल ये दरवाजा बंद है, यहां पे ताला लगा हुआ है, लेकिन कल यहां पे दोपहर की टीम आईटी पहुंची थी। यहां के जो पड़ोसी हैं उनसे भी हमने इस बात को कंफर्म किया, और यहां के हाउसमेट ने पूरी कहानी बताई है कि किस तरीके से यहां पे अधिकारी आए थे, और यहां पे जो एक फीमेल रहती हैं उनसे करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने वहां पे पूछताछ की थी। जी बिल्कुल, पूछताछ की थी, और देखिए कितनी सारी चीजों की बरामदगी हुई है, उससे साफ साफ पता चलता है कि टैक्स चोरी से लेकर के अवैध संपत्ति है वो अर्जित की गई थी। विनोद, इस पूरे मामले का खुलासा कब हुआ, कब से ये एक्शन जारी है, और साथ ही अगर बरामदगी की बात करें तो वो तो आप बताए ही कि वहां के अलावा जो देश के बाकी अलग अलग शहरों में हुई है छापेमारी, उसमें अभी तक क्या क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, पहली बात तो आईटी की टीम ने ये रेड्स को कंडक्ट कल ही किया था, लेकिन इसकी तैयारी एक लंबे समय से चल रही थी। जो सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि जो इनके फाइलें हैं उसमें जीएसटी का हेर फिर बहुत ज़्यादा था, और ये माना जा रहा था कि चूंकि कच्चा माल ये जो है वो बेचते थे, प्रोक्योरमेंट के और जो परचेजिंग और जो सेलिंग का डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए जीएसटी की अधिकारियों की नजर में आए, जिनका बही खाता था, अकाउंट बुक था, उसमें बहुत ज्यादा हेरफेर था, और इसीलिए जीएसटी की वजह से अब आईटी की रेट पड़ रही है अलग अलग ठिकानों पर। आप दोनों के जरिए आगे भी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।